मुझे ऐसे लगता है हमारे जो कंट्री में मोटर्स की ज्यादा इंश्योरेंस हुई है या फैमिली मेंबर्स से ज्यादा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही कभी हम वो बात भी करते हैं, हम इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स एन एंड टिपिकल इंडियन पर्सन माइंड इज मोटर इंश्योरेंस, गाड़ियों के इंश्योरेंस करते होंगे। तो इसी तरीके ये अब कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा, लेकिन इस टाइम पे आप देखो कोविड के टाइम में तो सबसे ज्यादा जो लोगों को अब कॉन्शियसनेस आ गई है वो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग पहले हम बेचने जाते थे, अवेयर कर रहे थे, आज लोग आ रहे हैं कि हमारी हेल्थ इंश्योर करो हमारे बेबी। तो जैसे आज हेल्थ की जागरूकता हुई है, ऐसे ही टाइम डाल के लोगों को और भी जितने तरीके के इंश्योरेंसेस हैं, उनकी बिल्डिंग हो गई, उनकी फायर हो गई, फायर पॉलिसीज हो गई, उनकी स्टॉक की पॉलिसीज हो गई, इस तरीके की पॉलिसीज के ओवर टाइम ये लोगों को अवेयरनेस आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। बेसिकली उन्हीं के भला है, उन्हीं का फायदा है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज आपके माध्यम से या और भी हम इंटरनेट के माध्यम से यही मैसेज कर रहे हैं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोगों को इसमें आना चाहिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करना चाहिए। है क्या वो पीस ऑफ माइंड ही बाइक है, राइट? द बाइंग पीस ऑफ माइंड, जितना ज्यादा इंश्योरेंस उतना पीस ऑफ माइंड, राइट?